Hello everyone, welcome to Fame World Educational Hub. Myself Aishwarya Saxena. C language की सीरीज में ये आपका जो वीडियो है ये इंट्रोडक्शन टू सी लैंग्वेज का है, जिसमें बेसिकली जो सी लैंग्वेज के कुछ बेसिक टर्म्स हैं और सी लैंग्वेज किस कैटेगरी में आती है उसको जानने के लिए ये वीडियो आपको बनाया गया है. सो सी लैंग्वेज एक मिडिल लेवल लैंग्वेज है और एक प्रोसीजरल लैंग्वेज है, ये आपको पहले भी बताया जा चुका है. लेकिन क्यों, why C language rely in the middle level language? C language is often termed as middle level programming language. This is because it combines the power of the high level language along with the flexibility of the low level language. लो लेवल लैंग्वेज जो होती है आपकी मशीन लैंग्वेज, वो जो होती है आपकी मशीन के बहुत क्लोज होती है क्योंकि वो बाइनरी लैंग्वेज है, उसमें जीरो और वन कोड्स का यूज करते हैं, इसलिए वो बहुत ही ज्यादा मशीन कंपैटिबल होती है. बट जो हाई लेवल लैंग्वेज होती है वो ऊप्स के कॉन्सेप्ट से जनरली बेस्ड होती है हमारी सारी हाई लेवल लैंग्वेजेस, और वो बहुत ही कॉम्प्लेक्स प्रोग्राम्स को डेवलप करने के लिए यूज की जाती है. सी लैंग्वेज को मिडिल लेवल की कैटेगरी में इसलिए रखा गया है क्योंकि ये मशीन कंपैटिबल तो है ही, साथ ही साथ कॉम्प्लेक्स प्रोग्राम भी डेवलप कर सकते हैं. High level languages have a number of built-in features and facilities which results in high programming efficiency and productivity. High level languages जो होती हैं उसमें बहुत सारे built-in features होते हैं जिसकी वजह से high programming efficiency और productivity, मतलब programming efficiency आपकी increase हो जाती है high level languages में. Low level languages on the other hand are designed to give more efficient program and better machine efficiency. तो मशीन एफिशिएंट प्रोग्राम मतलब जैसे कि आपके सिस्टम सॉफ्टवेयर्स हैं उनको डेवलप करने के लिए आपके मशीन लैंग्वेज के जो नजदीक है उसके लिए भी आपका सी लैंग्वेज का यूज होता है, इस वजह से ये मशीन कंपैटिबल भी है. सी लैंग्वेज इज डिजाइन टू हैव अ गुड बैलेंस बिटवीन बोथ द एक्सट्रीम्स. जो आपके लो लेवल लैंग्वेजेस हैं और जो हाई लेवल लैंग्वेज हैं, दोनों ही एक्सट्रीम्स पर, दोनों ही एंड्स पर सी लैंग्वेज प्रॉपरली वर्क कर सकती है. Programs written in C language give relatively high machine efficiency as compared to the high level languages, though not good as low level languages. कहने का मतलब सिर्फ इतना है कि high machine efficiency देती है किसके comparison में, high level language के, क्योंकि high level language जो होती है वो बहुत ही ज्यादा machine compatible नहीं होती, but C language है. Similarly, C language programs provide relatively high programming efficiency as compared to the low level languages, though not as high as those provided by high level languages. कहने का मतलब सिर्फ इतना है कि high level languages जैसे कि high programming efficiency provide करती हैं, low level language उतना नहीं कर सकती, but C language program जो होते हैं high programming efficiency देते हैं as compared to the low level language. लो लेवल से ज्यादा हाई लेवल के करीब होते हैं और हाई लेवल से ज्यादा लो लेवल लैंग्वेज के नजदीक होते हैं, इस वजह से सी लैंग्वेज को मिड लेवल लैंग्वेज की कैटेगरी में रखा गया है. दस सी कैन बी यूज्ड फॉर अ रेंज ऑफ एप्लीकेशंस विद इक्वल ईज एंड एफिशिएंसी. इसलिए इजी तो है ये लैंग्वेज, इसके प्रोग्राम डेवलप करना बहुत आसान होता है और साथ ही साथ इस सी लैंग्वेज के प्रोग्राम्स काफी एफिशिएंट भी होते हैं. दैट्स व्हाई सी लैंग्वेज इज केप्ट इन द मिडिल लेवल लैंग्वेज कैटेगरी. सो अगर आपको ये वीडियो पसंद आया तो प्लीज लाइक द वीडियो, और अगर अभी तक आपने मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है देन प्लीज सब्सक्राइब माय चैनल एंड प्लीज प्रेस द नोटिफिकेशन बेल ताकि आपको मेरे लेटेस्ट अपलोड की नोटिफिकेशन सबसे पहले मिल सकें और आप उनका फायदा उठा सकें. सो प्लीज लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब.